एमआईएम के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, बलाला साहब, पाशा कादरी साहब, मौजूम खान साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब, चेयरमैन टीएसएमआईडीसी एरोला श्रीनिवास साहब और हमारे डायरेक्टर हेल्थ श्रीनिवास एंड कमिश्नर आयुष वर्षिनी मैडम और हमारे प्रिंसिपल एंड ऑफिस सुपरिटेंडेंट, तमाम बुजुर्गों, भाइयों, बच्चों, मीडिया, आप सबको सलाम अलैकुम। आज बहुत खुशी है, वैक्सीनेशन सेंटर हम शुरू करें हमारे दो एमएलए साहब के साथ, जो 60 प्लस लोगों को बूस्टर डोज डालना है। आज पहले बूस्टर डोज लिए हैं लोकल एमएलए मुमताज खान साहब, अब दूसरा बूस्टर डोज लिए हमारे पाशा कादरी साहब, दोनों भी 60 प्लस है। जो पहला डोज लोकल एमएलए साहब लिए, दूसरा डोज हमारे कादरी साहब दिए। अभी अकबर साहब भी अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मैसेज दिए हैं। देखिए, हम सबके लिए सेहत सबसे इम्पोर्टेंट है। सेहत है तो सब कुछ है, अगर आपका सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये कोरोना से बचने के लिए सिर्फ दो ही रास्ता है, एक वैक्सीन डालो, दूसरा मास्क लगाओ। अब वैक्सीन के लिए तो गवर्नमेंट के तरफ से सब लोगों को वैक्सीन फ्री में गवर्नमेंट दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं शुक्रिया भी बोलना चाहता हूं यहाँ के लोकल कॉर्पोरेटर्स और एमएलएस, जो फर्स्ट डोज में हमें बहुत मदद करे। उन लोगों के मदद से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्कर्स ने गली गली में जाके, घर घर में जाके वैक्सीन लगाए। मैं आगे भी अकबर भाई से, हम तमाम एमएलए साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप और आपके कॉर्पोरेटरों को भी बता के ये बूस्टर डोज डालने में, और बच्चों को भी 15 साल से 17 साल उम्र के बच्चों को भी अपन वैक्सीन डाल रहे, उसमें भी थोड़ा आपका मदद चाहिए। क्यों बोले तो अभी अकबर भाई भी बताए, थोड़े लोगों को जहन में कुछ बुखार आए बोल के ऐसा एक शक है, वो शक रखने का जरूरत नहीं है। अपने एमएलए साहब खुद लिए ना, हम भी लिए, अकबर भाई लिए, हर कोई ले रहे हैं, इसमें कोई आपके मन में शक रखने का जरूरत नहीं है। वैक्सीन आपको बचाएंगे, वैक्सीन कोरोना आने से आपको बचाने के लिए वैक्सीन डाल रहे, लेकिन और किसी के लिए नहीं डाल रहे। सो आप सब लोग जितने भी आपके घरों में हैं, आपके महलों में हैं, आपके एरिया में हैं, जो 70 साल से 60 साल से ऊपर है, सब लोगों को वैक्सीन डालने के लिए आप लोग उन लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके आके वैक्सीन डालने लगाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज वैक्सीन में तेलंगाना सरकार ने फर्स्ट डोज में 102% डाल चुके हैं, सेकंड डोज में 78% वैक्सीनेशन हो गए, और बच्चों का परसों 3 तारीख ही शुरू करें, 3 तारीख जो 15 साल उम्र से 17 साल उम्र लोगों को, बच्चों को डाल रहे, उसमें 38% वैक्सीनेशन सिर्फ 6 दिन में हमारे डिपार्टमेंट अचीव कर चुके हैं। यहां भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, मैं समझता हूं आप सब लोग ले चुके हैं, लिए आप लोग, जो लोग लिए जरा हाथ उठा दीजिए बच्चों, ऑलमोस्ट, थैंक यू। और कोई एक दो बच्चे से दिख रहा मेरे को हाथ नहीं उठाए, वो लोग भी आज ले लेना काइंडली। सो उसमें भी अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तेलंगाना इज वन ऑफ द स्टेट देश में जो बड़े राज्यों में 100% वैक्सीनेशन पहले कंप्लीट करे, तेलंगाना स्टेट कंप्लीट करे, 102% करे। वो हमारा एमएलएस का, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का, हेल्थ डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल पंचायत राज डिपार्टमेंट के मदद से हम ये अचीव कर चुके हैं। आगे भी अभी ये बूस्टर डोज में बच्चों को वैक्सीनेशन देने में हम मिलकर काम करना चाहिए, इसमें कोई पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है। ये अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने राज्य को अच्छे तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट सेवा करना चाहते हैं। सीएम साहब ने भी हमें बार बार बता रहे कि वैक्सीनेशन का स्पेशल ड्राइव करो, जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का तेजी से करने के लिए हमें इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं। और अभी अकबर भाई और मैं अपने निजामिया ये यूनानी टीबी हॉस्पिटल, यूनानी हॉस्पिटल के बारे में जो इश्यूज हैं, हम पूरा
एक आधा घंटा हम डिस्कस कर चुके हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल है, इसका तो हिस्ट्री बहुत बड़ा है, जो आगे इसको अपन लेके जाना है। अभी अकबर भाई बोले जैसा थोड़े ट्रीटमेंट एलोपैथी में भी नहीं होता, लेकिन यूनानी में अच्छा हो रहा। पैरालिसिस का ट्रीटमेंट तो इतना मशहूर है, लोग कहीं कहीं महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, बहुत दूर से भी यहां पर आते हैं पैरालिसिस के, जहां पर अच्छे नहीं होते, लेकिन अपने चार मीनार के यूनानी मेडिकल कॉलेज में तो 100% उनका अच्छा सुविधा मिल रहा, ट्रीटमेंट मिल रहा, इतना मशहूर भी है। सो ऐसे अच्छे ट्रीटमेंट यहां पर है, इस वास्ते इसको आगे भी लेके जाने का जरूरत है। जो आपका कॉलेज बिल्डिंग का काम थोड़ा बचे हैं, और लाइब्रेरी का, और लाइब्रेरी का 100% डिजिटलाइजेशन करने के लिए अकबर भाई रिक्वेस्ट करें, हम जरूर तेजी से तेजी वो करवा देंगे। और बाकी गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में भी थोड़ा काम पेंडिंग है। आयुर्वेदा हॉस्पिटल यहां से शिफ्ट करने के बाद वो क्लासरूम्स का थोड़ा रिपेयर करने का काम भी बाकी है, बल्कि बताए वो भी जितना भी पैसे जरूरत है वो सैंक्शन कराएंगे, वो आपका कॉलेज बिल्डिंग को भी अच्छा कराएंगे। जितने भी मसाइल मुझे प्रिंसिपल साहबा और अकबर भाई पूरा लिख के दिए हैं, हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी रिजवी साहब भी है, हमारा कमिश्नर आयुष भी यहीं पर है, हम सब डिस्कस करके जितना भी पैसे जरूरत है सीएम साहब का मदद लेके जल्द से जल्द पूरा सैंक्शन करा के ये हॉस्पिटल में जितने भी मसाइल है हम पूरी तरीके से हम हल करा देंगे। सो हमारा प्रिंसिपल मैडम से और सुपरिटेंडेंट से भी मेरा रिक्वेस्ट क्या है, ये हॉस्पिटल का इनपेशेंट भी बढ़ना, सर्विस भी बढ़ना, जितना आपका वैकेंसी है हम जल्द से जल्द फिलअप कर देंगे। परसों जीवो भी निकाल दिए, पूरा वैकेंसी फिलअप करने के लिए गवर्नमेंट परमिशन दे चुके हैं। रिक्रूटमेंट भी आज कल में नोटिफिकेशन दे देते, रिक्रूटमेंट भी कर देते। सीएम साहब हमें बोल चुके हैं कोई डॉक्टर पोस्ट तेलंगाना में खाली नहीं रहना, पूरे के पूरे टीचिंग डॉक्टर पोस्ट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है हम पूरा फिल कर देंगे, दो तीन दिन में ही नोटिफिकेशन दे देंगे। लेकिन मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, हमारे जो टीचिंग प्रोफेसर्स है आप लोग भी ट्रीटमेंट करना, आप भी ओपी लिखना, ओपी में बैठना, सर्जरीज करना, ट्रीटमेंट देना, दवा देना, ये नहीं कि बच्चों इन करना बोल के आप नहीं सोचना। जैसे आपके जैसे सीनियर प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स आप अच्छा काम करें तो बच्चे भी अच्छा सीखेंगे और लोगों को भी बहुत फायदा होगा। सो आई रिक्वेस्ट द प्रिंसिपल, यहां पर इनपेशेंट बढ़ना, एक जमाने में तो यहां जगह ही नहीं मिलता था, फिर आज ये 200 बेडेड हॉस्पिटल में सिर्फ 70-80 बेड से इनपेशेंट है, बाकी 100 बेड खाली है। सो सर्विस इंप्रूव होना चाहिए, यहाँ पर गायनेकोलॉजी का डिपार्टमेंट भी है यहाँ पर, और भी कुछ आपको मदद होना है, आपको ऑपरेशन थिएटर को स्ट्रेंथन करना, अभी केसीआर किट का प्रोग्राम आने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिलीवरीज बहुत बढ़ चुके हैं, फिर आप उधर उस्मानिया में मत रेफर करो, जितना यहाँ कर सकते लोड यहीं ले लीजिए, और आपको कोई अल्ट्रासाउंड होना और कोई इक्विपमेंट होना जरूर हम आपके लिए मदद करेंगे। यहाँ पर आपको सहूलत है सब कुछ, लेकिन इधर ही आप लोड ले लिए तो उधर उस्मानिया पे थोड़ा लोड कम हो जाएगा। आपके पास हर कुछ सहूलत रहने के बाद पूरे केसेस उधर रेफर मत कर लिया, यहां पर आप इंप्रूव करो। मैं अभी आपको और अकबर भाई को मैं वादा करा, जितने भी मसाइल आप बताए वो पूरा पूरा हम हल करेंगे। आप भी मुझे वादा करना कि यहाँ 150 से 200 इनपेशेंट आगे 6 महीने में मुझे दिखाना, आप काम योर वर्क शुड प्रोग्रेस। सो उसके ऊपर आप रेगुलरली मॉनिटर करो पूरे प्रोफेसर, आपको 80 डॉक्टर हैं यहाँ पर, आई थिंक देर आर मोर देन 80 डॉक्टर्स, उन लोगों से काम ले, उन लोगों से पब्लिक को सहूलत मिलना चाहिए, पब्लिक को सुविधा मिलना चाहिए, उनका इलाज मिलना चाहिए, उसके लिए पूरे टीम मिलके काम करना। आप लोग हम आगे भी अब कुछ वैकेंसी है तो वो भी फिलअप करेंगे, लेकिन उससे अल्टीमेटली द पीपुल शुड गेट द बेनिफिट, उसके लिए आप लोग टीम वर्क करिए। ऐसा नहीं कि टीचिंग डॉक्टर्स अलग है, हॉस्पिटल डॉक्टर्स अलग है, आप सब मिलके काम करना है, हम अपन सब मिलके पब्लिक का सेवा करना चाहिए, पब्लिक को ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसके लिए आप काम करिए। जरूर जो अकबर भाई मुझे बताए वो छोड़ते भी नहीं, अकबर भाई तो एक बार बोलने के बाद हर हफ्ता हर 15 दिन मुझे याद करते ही रहते, फोन करते रहते, मैसेज करते, नहीं तो असेंबली में पूछते,
एक बार हम वादा कर दिए हम जरूर करेंगे, अकबर भाई को अगले पूछने का भी मौका भी नहीं देंगे, जरूर हम करके दे देंगे। सो फाइनली माय अपील अंदर तो ना मनवी ఒకటి దయచేసి వాక్సినేషన్ మాత్రం 100% పూర్తి చేసే విధంగా మరి ఈ రోజు రాష్ట్రంలో మనం చార్మినార్ ప్రాంతంలో బూస్టర్ డోస్ ను ప్రారంభం చేసుకోవడం జరిగింది। మరి ఈ బూస్టర్ డోస్ లో ముఖ్యంగా ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కూడా ఇస్తున్నాం, మన హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ గాని పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ గాని శానిటేషన్ సిబ్బందిని అందర్ని కూడా మనం ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ గా దాదాపు 660,000 మంది మన రాష్ట్రంలో ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ ను గుర్తించాం, వారందరికీ కూడా వాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది। వారితో పాటు 60 సంవత్సరాలు పైబడినటువంటి వారిని కూడా మరి మనం బూస్టర్ డోస్ ఇవ్వాలనుకున్నాం। ఇయల్ అంతర్జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా లాంటి దేశాలు యూరప్ లో గాని బ్రిటన్ లో గాని అందరూ కూడా బూస్టర్ డోస్ తీసుకుంటున్నారు, మరి వాళ్ళు మనకంటే తెలివైన వాళ్ళే అనుకుంటుంటాం మనం, మరి వాళ్ళందరూ బూస్టర్ డోస్ తీసుకున్నారంటే డెఫినెట్ గా దాని యొక్క ఫలితాలు ఉన్నాయి గనక దానివల్ల ఉపయోగం ఉంటుంది గనక మరి బూస్టర్ డోస్ అనేది అందరూ తీసుకుంటున్నారు। మనము ప్రాణం మీదకి వచ్చినాక బాధపడ్డ దానికంటే ప్రాణం మీదకి రాకుండా ఉండాలంటే బూస్టర్ డోస్ వేసుకోండి, మాస్క్ ధరించండి అని చెప్పి ప్రజలందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మరి దీంట్లో గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులందరూ కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని మీ మీ గ్రామాల్లో మీ మీ వార్డుల్లో 100% వాక్సినేషన్ అయ్యే విధంగా మీరందరూ మా ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బందితో సహకరించి ముందు భాగాన ఉండి వాక్సినేషన్ ప్రక్రియను ముందుకు తీసుకుపోవాలని చెప్పి అందర్ని పేరుపేరునా కోరుకుంటూ మరి వాక్సినేషన్ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి గౌరవ శాసన సభ్యులకు మరి ఇతర అధికారులందరికీ కూడా పేరుపేరునా ధన్యవాదాలు। జై హింద్।